हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर आज अगेन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी। बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में ना घी ना मावा ना चाशनी, काजू की बर्फी रोज़ फ्लेवर के साथ बनाने बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। रोज़ फ्लेवर स्पेशल काजू की बर्फी बनाने के लिए लिए हैं काजू हमने एक कटोरी, आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी ही यहाँ पे हमने लिया है मिल्क पाउडर। यहाँ पे काजू हमने साबुत वाला लिया है क्योंकि बिना गैस चलाए बनाने जा रहे हैं। इन वाले काजू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम हो ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड चीनी आपको बताई है। तीनों ही चीज़ को हमने एक ग्राइंडर जार में लिया है, बिल्कुल स्मूथली हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है जिससे कि एक फाइन पाउडर हमें मिल जाए। साथ ही आप देखेंगे कि काजू का मॉइस्चर यानी काजू का ऑयल भी रिलीज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा पाउडर बनके हमें मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, निकाल लेंगे इसे एक मिक्सिंग बाउल में और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कि अपने आप बाइंड हो रहा है, यानी काजू ने अच्छे से अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपरली ये बाइंड हमारा हो रहा है। आज की हमारी स्वीट रेसिपी बनने जा रही है रोज़ फ्लेवर में, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं करीब 2 से 3 चम्मच रोज़ सिरप। एक कटोरी साबुत काजू के लिए यहाँ पे मैंने करीब 3 चम्मच रोज़ सिरप का यूज़ करा है। रोज़ सिरप का कलर बहुत अच्छा है इसलिए मैंने किसी फूड कलर का यूज़ नहीं करा। आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं एक अच्छे कलर के लिए। और क्योंकि यहाँ पर मैंने फूड कलर का यूज़ नहीं करा, इससे एक ऑरेंज शेड मेरे इस बैटर में, इस डो में आई है। अगर आप फूड कलर यूज़ करते हैं तो रेड फूड कलर यूज़ करिएगा, प्रॉपर रोज़ कलर का आपका ये डो बनकर तैयार होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाथ से अच्छे से दबाते हुए, अच्छे से प्रेस करते हुए हमने इसका डो लगाया है, कितने अच्छे से इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है। 3 पोर्शंस में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। बिल्कुल भी घी का यूज़ हमें यहाँ पर नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं काजू ने कितना अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है। बस मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है और बटर पेपर पे ही मैं इसे रोल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे किसी पॉली बैग की हेल्प से भी इसे रोल कर सकते हैं। कोई पॉली बैग आपके पास अगर पैकिंग का भी हो तो आप उसे भी यूज़ करके इसे रोल कर सकते हैं, बहुत इजीली रोल हो जाता है। डो ज़्यादा टाइट लगे तो आप इसमें 1 चम्मच दूध मिला लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और डो अगर आपको पतला लगे तो आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर और मिला सकते हैं। वैसे बिल्कुल स्टैंडर्ड हमने आपको इसका रेशियो बताया है, हमने इसे रोल कर लिया है। ना ही तो ज़्यादा मोटा इसे रोल करना है, ना ही ज़्यादा पतला रोल करना है। एक नॉर्मल रोटी पराठा जैसा हम अपने घर में बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे रोल करके तैयार करना है। एक कैप मैंने ले लिया है जिसकी हेल्प से मैं इसे कट कर रही हूँ गोल शेप में, क्योंकि इसी की हेल्प से हम बनाएंगे हमारा रोज़ फ्लावर। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट लगता है इंस्टेंट अपने हाथ से, अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ मीठा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी। सर्कल्स कट कर लिए हैं, इसका एक्स्ट्रा पोर्शन हटा देंगे और बस इसके सर्कल्स का हमें यूज़ करना है। बहुत इजीली बटर पेपर पे से हमारे ये सारे उतर गए, इसका एक्स्ट्रा पोर्शन भी और जो हमने सर्कल्स काट के रखे हैं ये भी बहुत इजीली उतर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने फ्रेश गुलाब के फूल लिए थे जिन्हें हमने एक बार वॉश करके उनकी पंखुड़ियों को एक छन्नी में रख दिया था पूरी रात सूखने के लिए, और आप देख सकते हैं अच्छी ड्राई हो चुकी हैं। और बस थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ लेंगे और इस तरह से हमें उन्हें स्प्रेड कर देना है। वैसे फ्रेंड्स, अगर गुलाब का फूल अवेलेबल ना हो तो आप इस रेसिपी को ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। पर क्योंकि आज हम रोज़ फ्लेवर स्पेशल काजू की बर्फी बना रहे हैं तो एक सुंदर सी गार्निशिंग के लिए और टेस्ट के लिए हमने इनका यूज़ किया है। चलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हमने इन्हें स्प्रेड कर दिया है और जो हमने सर्कल्स कट करके रखे हैं उन्हें एक एक करके हमें इस तरह से रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सर्कल हमने रख दिया है, दूसरा हम थोड़ा सा इसके ऊपर से ही टच करते हुए रखेंगे, यानी थोड़ा सा इसके ऊपर हमें ओवरलैपिंग करते हुए हमें 4 से 5 सर्कल्स यहाँ पे रख देने हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने अभी 4 यूज़ करे हैं, आप चाहें तो 5 भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, ज़्यादा बड़ा फ्लावर भी अच्छा नहीं लगेगा। और बस जो मैंने 2 लेयर्स फ्लावर की स्प्रेड करी थी उन दोनों पे ही इस तरह से हमें हमारे जो काजू के सर्कल्स हमने कट करके रखे हैं उन्हें रख देंगे, और साथ में ही यहाँ पे इनके ऊपर हम स्प्रेड करने जा रहे हैं बारीक कटे हुए काजू और पिस्ता। बिल्कुल मिडल में हमें इन्हें स्प्रेड करना है, साइड्स में नहीं, बिल्कुल बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमारे काजू और पिस्ता को स्प्रेड कर लेंगे। मैंने पहले से ही
बारीक कट करके रख लिए थे काजू को भी और पिस्ता को भी, और बस इन्हें स्प्रेड करने के बाद अब हमें हल्के हाथों से इन्हें बंद करना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी सर्कल के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन की तरफ हमें मोड़ देना है, चिपकाना नहीं है, जस्ट हमें बीच में से इसे फोल्ड करना है और एक साइड को पकड़ते हुए हमें इसे इस तरह से गोलाई में फोल्ड कर देना है। बहुत ईजी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बस हमारा रोज़ बनकर तैयार है। और आप खुद देख सकते हैं देखने में भी इसकी शेप कितनी अच्छी आई है, बहुत ईजिली ये बनकर तैयार हो गया है। एक और हम आपको बना के दिखा देते हैं, बस हल्के हाथों से हमें इन सर्कल्स को मोड़ देना है। अगेन आपको बता दूं, मैं एक लेयर को दूसरी लेयर से चिपकाना नहीं है, जस्ट इन्हें हमें मोड़ना है और उसके बाद इस तरह से इन्हें घुमा देंगे और हमारा दूसरा रोज़ भी बन के तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल रोज़ की शेप इसकी आई है। पास से भी एक बार आपको दिखा देते हैं, ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, रोज़ पेटल्स भी इसके ऊपर बहुत प्यारी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमें हमारे सारे रोज़ेस, सारी मिठाई बना के तैयार कर लेनी है। और आप खुद ही देख सकते हैं इन्हें बनाना कोई भी टफ काम नहीं था, 10 मिनट में आप बहुत सारी मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। एक कटोरी काजू जो मैंने आपको बताए हैं, करीब ये हमारे 200 ग्राम काजू थे और 200 ग्राम काजू में हमने 15 पीसीस मिठाई के बना के तैयार करे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, बड़े बच्चे सभी को पसंद आने वाली, झटपट बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई आपकी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई भी करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।